Hey guys, तो आज हम लोग बात करेंगे ये पीसी के बारे में। तो ये पीसी हम लोगों ने स्पेसिफिकली बिल्ड किया है फॉर टेक्नो गेमर्स। तो टेक्नो गेमर्स का रिक्वायरमेंट था उसको गेमिंग रिलेटेड थीम में पीसी बिल्ड करना है। तो हम लोगों ने उसको GTA 5 का सजेशन दिया था, लेकिन भाई बोले नहीं, हम लोगों को माइनक्राफ्ट ही होना। तो ये माइनक्राफ्ट का पीसी हम लोगों ने बिल्ड किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको पीसी कैसा लगा। तो ये पीसी बनाने के लिए क्या चैलेंजेस आए, ये पीसी में हम लोगों ने कौन सी स्पेसिफिकेशन यूज किए और क्या, तो इस बारे में बात कर लेंगे फिर आज। और मॉड कैसे किया, तो सबसे पहले बात करते हैं मॉड कंसेप्ट के बारे में। तो मॉड कंसेप्ट में हम लोगों ने जो माइनक्राफ्ट का क्यूब हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया है, वो क्यूब एक्चुअल रियल लाइफ में लाने के लिए हम लोगों ने एक्रेलिक के ब्लॉक्स कट किए। तो ब्लॉक्स कट करने से पहले हम लोगों ने एक्रेलिक के ब्राउन के चार लेयर और ग्रीन के चार लेयर पेंट करके लिए, फिर उसके बाद एक इंच के स्क्वायर ब्लॉक्स हम लोगों ने फिर कट किए और उसके बाद ये पेस्टिंग किया। तो आप देख सकते हैं फिर बैक पैनल पे हम लोगों को ऐसा सारा कंप्लीट ऐसे ब्लॉक्स नहीं लगाने थे, तो कुछ तो अलग भी करना था। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि ऐसे दिखाएंगे कि बैक साइड माइन हुआ है। तो माइन हुआ है इसलिए आप देख सकते हैं, और ग्रीन पार्ट्स पूरा माइन हुआ है और ब्राउन पार्ट्स तक आ गए। लेकिन ये कट करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया ड्रिमल से वो हो नहीं रहा था। ड्रिमल के जो टूल थे वो कट हो गए, मतलब टूट गए। फिर हम लोगों ने CNC कटिंग के लिए हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन CNC कटिंग के लिए एक दिक्कत आई कि आपको भी पता है कोविड की हालत, फिर ऑक्सीजन इंडस्ट्री के लिए भी बंद हो गए थे, तो CNC कटिंग भी नहीं चल रहे थे। तो फिर हम लोगों ने इस बार फर्स्ट टाइम वाटर जेट हम लोगों ने ट्राई किया, और आप देख सकते क्या स्मूथ फिनिशिंग आई है वाटर जेट में। तो वो वाटर जेट आप मैं ये वीडियो के मतलब आप देख सकते इसमें। फिर इसके बाद और एक चीज हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, 3D मॉडल। तो 3D मॉडलिंग हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, इसमें हम लोगों ने पिकेक्स हम लोगों ने ट्राई किया और उसका लोगो ट्राई किया, फिर ड्रैगन हम लोगों ने प्रिंट करके लिया, फिर अंदर के ऐसे एलिमेंट्स हम लोगों ने प्रिंट करके लिए, जिसके कारण डिटेलिंग में फिनिशिंग आए। तो आप ये देख सकते हैं माइनक्राफ्ट का नाम भी हम लोगों ने 3D प्रिंट में प्रिंट करके बाद में पेंट किया। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने किया और हम लोगों को पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही है। फिर अब भी आते हैं मेन कंपोनेंट्स के ऊपर, हम लोगों ने टेक्नो गेमर्स के लिए कौन से कंपोनेंट चूज किए और कौन से यूज किए। तो जैसे मैंने बोला कि ये पीसी स्पॉन्सर्ड है बाय इंटेल एंड ओरस। तो इंटेल से हम लोगों को i9-11900 के प्रोसेसर मिला था, और फिर गीगाबाइट से Z590 ओरस मास्टर, फिर डिजाइनर रैम, इसमें हम लोगों ने 32GB रैम यूज किए, फिर ओरस का 3080 ओरस मास्टर ग्राफिक्स कार्ड यूज किया है, मैं आपको दिखा था। ये प्लग एंड प्ले, तो ऐसा कुछ ये नहीं है जैसे PSU श्राउड रहते कैबिनेट्स में, वैसे ही ये सिर्फ हम लोगों ने प्लेसमेंट किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो PSU श्राउड टाइप को हम लोगों ने कट किया था, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले है और उसका जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको आपको डिस्प्ले मिलता है यहाँ पे। तो ये पीसी में हम लोगों ने सबसे पहले 11900 के यूज किया, Z590 मदरबोर्ड यूज किया, ओरस मास्टर डिजाइनर, गीगाबाइट के डिजाइनर रैम यूज किए 32GB, और 3080 ग्राफिक्स कार्ड यूज किया। अभी बात करते हैं फंक्शनलिटी के बारे में। तो ये कैबिनेट में हम लोगों ने नीचे से इंटेक लिया है, तो आप देख सकते थ्री परफॉर्मेंस फैन हम लोगों ने डाउन में किए है, जिसके कारण जो फ्लो है वो डायरेक्टली ग्राफिक्स कार्ड को, फ्रेश एयर है और डायरेक्टली ग्राफिक्स कार्ड को मिले। फिर हम लोगों ने फ्रंट में मतलब कैबिनेट में इनबिल्ट दो 200mm के फैंस आते हैं, और टॉप पे हम लोगों ने LCS। अभी बात करते हैं LCS के बारे में। तो हम लोगों को LCS के लिए हम लोगों ने थर्मल टेक का डिस्ट्रोप्लेट यूज किया है। डिस्ट्रोप्लेट हम लोगों ने क्यों यूज किया है, क्योंकि अगर रिजर्वायर सिलेंडर शेप का हम लोगों को अगर यूज करना था, तो यहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी है, मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ एडिशनल जो हम लोगों ने 3D कैरेक्टर्स यहाँ पे रखे है वो नहीं रख सकते थे, इसलिए हम लोगों ने डिस्ट्रोप्लेट यूज किया। डिस्ट्रोप्लेट के साथ हम लोगों ने कॉर्सेयर के ब्लॉक, कॉर्सेयर के फ्लिट फिटिंग्स, कॉर्सेयर के ट्यूब्स
और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों ने इस बार यूज किया है बैरो का डिस्प्ले, जिसके कारण जो टेम्परेचर है जो रेडिएटर के अंदर जा रहा वो यहाँ पे दिखेगा। और इसमें हम लोगों ने सेट करके भी रखा है, अगर टेम्परेचर मोर देन 55 डिग्री अगर हो गया तो वो पीसी ऑटोमेटिकली शट डाउन होगा आफ्टर 60 सेकेंड। तो ये चीज हम लोग अभी हमेशा ध्यान रखेंगे बिफोर बिल्डिंग एनी LCS पीसी। तो ये पीसी में हाँ सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हम लोगों ने केबल स्लीव्स यूज किए ट्विक पीसी के, तो थैंक्स टू अर्पण भाई जो हम लोगों को केबल स्लीव्स आपने प्रोवाइड किए। और आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पार्ट्स। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलो कि आपको ये पीसी कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।